नमस्ते, मैं प्रतिभा सेठी, आपके टैरेट कार्ड रीडर एंड काउंसलर, एस्ट्रो पॉइंट पश्चिमिया न्यू दिल्ली से। आज हम बात करेंगे हेमंत सोरेन जी की कुंडली के बारे में कि इनका आने वाला टाइम कैसा है। तो इसके लिए मैं अपने स्टूडियो में बुलाना चाहूंगी रिनाउंड सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर सुमित सेठी। तो आइए सुमित, आपका हमारे स्टूडियो एस्ट्रो पॉइंट में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राम राम, सत श्री अकाल। मैं सुमित सेठी, आपका एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड पश्चिम बिहार दिल्ली से। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज है 9th, है आज नाइन्थ है मंडे। 9th of September 2024 मंडे, और ये वीडियो अपलोड होगी ठीक 2 दिन बाद 11th of September 2024 वेडनेसडे को। इनकी कुंडली है ये, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 10th August 75, 4 PM रामगढ़ झारखंड। ये इनकी कुंडली है, इनका बर्थ चार्ट है। पहले तो जो स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकता है, जो इनकी कुंडली से सीखना चाहते हैं स्टूडेंट्स या बच्चे सीख रहे हैं उनको हेल्प मिलेगी, तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हमारी जो प्रिडिक्शन होती है लगन से होती है, लगन मीन्स फर्स्ट हाउस, चंद्र राशि से हमारी नहीं होती। और क्वेश्चन फिर यही है कि जो इस बार इलेक्शन है अक्टूबर नवंबर में, नवंबर नंबर दिसंबर, यहाँ पे डेट नहीं हाँ, है। तो इन इनका इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, ये जीतेंगे या हारेंगे। तो ये पॉइंट्स मैं पढ़ देती हूँ। लगन है इनका धनु, फर्स्ट हाउस लगन होता है धनु, सेजिटेरियस जो कि जुपिटर गुरु को डिनोट करता है। चंद्र लगन है कन्या, चंद्र लगन मून साइन है कन्या वर्गो जो कि मरकरी बुध को डिनोट करता है। सूर्य लगन है कर्क, सूर्य यहाँ लिखा हुआ है, तो सूर्य लगन सन साइन है इनका कर्क कैंसर जो कि चंद्रमा मून को डिनोट करता है। सूर्य नीच का होगा 16 अक्टूबर से 17 नवंबर तक इनके 11th हाउस में, इन 11th हाउस में इनके। और शनि डायरेक्ट होगा 3rd हाउस में 15 नवंबर को, यहाँ 3rd हाउस में इनके। और सूर्य अंडर शनि राहु इंपैक्ट इन 8th हाउस, सूर्य जो है शनि और राहु के इंपैक्ट में है इनके 8th हाउस में। जब ये सीएम बने थे 2019 में, तब जुपिटर और मरकरी की दशा थी। दोस्तों इनकी कुंडली, इनके दोस्तों कुंडली मैंने आज तक नहीं बनाई कभी भी, फर्स्ट टाइम दोस्तों इनकी कुंडली बना रहा हूँ, बिकॉज दोस्तों इलेक्शन सर पे आ चुके हैं बिल्कुल झारखंड के। दोस्तों ये डिटेल जो मैंने लिया नेट से लिया है, इंटरनेट से लिया, मुझे नहीं आइडिया दोस्तों कि कितनी डेट ऑफ बर्थ, तो हर जगह टाइम मैंने नेट से लिया है, पूछा भी था किसी से, तो एक आइडिया लेके चलते हैं दोस्तों इसको लेके। दोस्तों यह धनु लगन की कुंडली, और दोस्तों आपको तो मालूम है कि हरियाणा के चुनाव दोस्तों आ चुके हैं सर पे इसी मंथ। दोस्तों जम्मू कश्मीर के चुनाव है, और दोस्तों अगले महीने की 5 तारीख को हरियाणा के चुनाव, और 8 अक्टूबर को रिजल्ट है दोस्तों। तो उसके लिए एक बार कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की। दोस्तों झारखंड और महाराष्ट्र के दोस्तों चुनाव अब कंफर्म नहीं, इकट्ठे ही होंगे, बट डेट अभी दोस्तों हमारे सामने नहीं है इसकी। तो टेंटेटिवली हम मान के चलते हैं दोस्तों नवंबर दिसंबर के आसपास के भी चुनाव होंगे, इसे दिसंबर तक की दशा मैंने लिया दोस्तों यहाँ पे। तो सेल्फ हो गया इनका, धनु लगन की कुंडली होगी दोस्तों। दोस्तों धनु लगन का लॉर्ड हो गया जुपिटर, दोस्तों भाग्य स्थान में प्लेस गए, दोस्तों बहुत सुंदर प्लेसमेंट होती है जब आपका लगन का लॉर्ड 5th हाउस में हो, दोस्तों भाग्य को बढ़ा के चलते हैं। तो यही जुपिटर देखते हैं 9th हाउस पर, जो कि होता है पिता का आपके, तो आपको समझ सकते हैं कि पिता की लेगेसी, उनके इनके जो पिता है दोस्तों शिबू सोरेन को गुरु जी कहा जाता है, तो अभी बहुत बड़े नेता रह चुके हैं झारखंड के। और दोस्तों जितना ध्यान में मुझे आता है, नरसिम्हा राव की सरकार में, कांग्रेस की जब सरकार थी दोस्तों 91 से शायद 96 तक की सरकार थी, तो उसमें ये एक मिनिस्टर थे तो शिबू सोरेन दोस्तों। तो ये काइंड ऑफ दोस्तों बड़ा तगड़े वाला कॉम्बिनेशन की सेल्फ और गुरु फर्स्ट हाउस में, और दोस्तों अपने ही साइन को देखना है, यानी कि बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन। दोस्तों इनकी राशि की बात करें दोस्तों, वह है कन्या राशि। कन्या राशि का लॉर्ड दोस्तों आगे आपका मरकरी, तो वो भी त्रिकोण के अंदर। तो एक सेल्फ का लॉर्ड भाग्य स्थान में, दोस्तों दूसरे सेल्फ का लॉर्ड दूसरे वाले भाग्य स्थान में, यानी दोस्तों आपको मिली किसकी, लक के साथ बहुत ज्यादा। तो वही बात है, इतने बड़े जो नामी गिरामी पिता थे आपके, उनके घर में आपका जन्म हुआ, तो आपको सब कुछ प्लेटर पे मिल गया। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि भाग्य का साथ कितना ज्यादा है। तो आपने कुंडली भी देखिए कि जितने सेल्फ का लॉर्ड दोस्तों 5th हाउस में 9th हाउस में दोस्तों, उतने ही ज्यादा कुंडली आपकी स्ट्रांग होते चली जाती है। तो लास्ट में हम लोग देखिए सूर्य लगन, तो सूर्य लगन का लॉर्ड हो गया आपका चंद्रमा, कर्क राशि, इसका लॉर्ड दोस्तों हो गया मून, तो वो आ गया 10th हाउस यानी कि सत्ता वाले स्थान के अंदर। यानी कि दो सेल्फ के लॉर्ड दोस्तों आ गया आपके भाग्य में, और एक सेल्फ के लॉर्ड दोस्तों आ गया आपका कहीं ना कहीं सत्ता वाले घर के अंदर, चंद्रमा, जो कि आपके 4th हाउस जनता को देख के दोस्तों आपको जनता की भी सपोर्ट दिलवा के चलता है। और दोस्तों चंद्रमा खुद जनता का ही कारक है, जनता के सपोर्ट से आपको सत्ता बार बार मिलता चली जाती है। तो किसी भी पॉलिटिशियन के दोस्तों जनता की सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी, बिना जनता के सपोर्ट के, बिना फैन फॉलोइंग के दोस्तों आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी, और वरना छोटे मोटे कार्यकर्ता बन के रह जाएंगे। तो 16 अक्टूबर से 17 नवंबर तक दोस्तों अगले महीने, ये करीब 1 महीना 5 दिन के बाद दोस्तों सूर्य नीच का होगा। और दोस्तों अगर आप देखेंगे सूर्य, अगर हम नोटिस करते हैं इनकी कुंडली में, भाग्य स्थान का कारक है दोस्तों, वो नीच का हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों 7 नंबर में। सूर्य दोस्तों नीच का होगा 16 अक्टूबर से 16 नवंबर तक, 17 नवंबर तक। तो ये दोस्तों प्रॉब्लमेटिक टाइम, अब क्योंकि दोस्तों इस समय शनि का भी रेट्रोग्रेशन होगा, शनि की दशा भी यहाँ पे दोस्तों चल रही होगी, बात करेंगे, तो टाइम प्रॉब्लमेटिक होगा। और ऐसे में दोस्तों अगर चुनाव इस टाइम पे घोषित हो गए, तो
तो दुख दिक्कत इनकी बढ़ जाएगी। अब दोस्तों टाइम नहीं है हमारे पास, चुनाव की डेट नहीं है, अंदाजा लेके चलेंगे दोस्तों। तो अभी शनि इनका यहाँ पे रेट्रोग्रेड है नंबर 3 के अंदर, थर्ड हाउस के अंदर। दोस्तों 15 नवंबर को शनि यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा, यानी कि सूर्य यहाँ पे दोस्तों नीच का होगा, एग्जैक्टली उसी टाइम पे जब सूर्य नीचता से बाहर आएगा दोस्तों शनि भी डायरेक्ट हो जाएगा, तो थोड़ी पॉजिटिविटी आएगी इनके। दोस्तों अब इनकी कुंडली में देखिए, जो सूर्य है जो कि सत्ता का लॉर्ड होता है, सत्ता को डिनोट करता है दोस्तों, पावर को डिनोट करता है, और इनकी कुंडली में भाग्य स्थान का लॉर्ड है। दोस्तों अपने से 8th हाउस में आ गया दोस्तों, अपने से 12th हाउस में आ गया नेगेटिव, 8th हाउस में आ गया दोस्तों भाग्य की हानि कर रहा है, राहु के इम्पैक्ट में दोस्तों, राहु का 9th इम्पैक्ट सूर्य ग्रहण की उत्पत्ति कर रहे हैं दोस्तों, उनको साथ में शनि का भी आ गया। और दोस्तों हमने अमूमन बहुत सी ऐसी कुंडलियां देखी दोस्तों, लगभग 99% दोस्तों ऐसी कुंडलियां देखी हमने, डिस्कस भी करी आपके साथ कि जिस कुंडली में सूर्य के ऊपर राहु का भी और शनि का भी इम्पैक्ट होगा दोस्तों, 8th हाउस में होगा, 6th हाउस में होगा, 12th हाउस में भी होगा, तो उस पर लीगल केस या उन पर दोस्तों इम्प्रिजनमेंट के चांसेस दोस्तों बनते ही बनते हैं, या तो हेल्थ के इशूज बहुत ज्यादा आएंगे, मतलब एक बंधन योग दोस्तों बन जाता है, या तो हॉस्पिटलाइज बहुत ज्यादा होते हैं या आपको इम्प्रिजनमेंट होता है दोस्तों। इनको 31 जनवरी को दोस्तों ईडी ने गिरफ्तार किया था, तो जून में दोस्तों कहीं छूट कर 28 जून को शायद दोस्तों छूट कर आए थे। तो ये जो दोस्तों कॉम्बिनेशन है ये काफी डेडली कॉम्बिनेशन, और दोस्तों जब सूर्य नीच का हो जाएगा यहाँ पे 7 नंबर के अंदर, तो कॉम्बिनेशन और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा दोस्तों। जब ये सीएम बने थे, मुख्यमंत्री बने थे अक्टूबर नवंबर 2019 के अंदर दोस्तों, तब दोस्तों इनकी दशा थी जुपिटर में मर्क्यूरी, दोस्तों गुरु सेल्फ का लॉर्ड हो गया, भाग्य स्थान में आके दोस्तों बताया, और मर्क्यूरी दोस्तों दूसरे भाग्य स्थान में, और राशि का भी लॉर्ड, दोनों त्रिकोण के दोस्तों दशा चल रही थी, केंद्र त्रिकोण की दोस्तों दशा चल रही थी। तो उस समय दोस्तों सीएम बनना एक महीने के दोस्तों आपको समझ में आ जाता है कितना जबरदस्त सीएम बनने के पावर थी उस समय। अब क्या रहने वाला दोस्तों देखते हैं दोस्तों, हालांकि मुझे बीजेपी का नहीं पता कौन सीएम केस बनेगा, बाबूलाल मरांडी बनेगा या कौन बनेगा, बट अभी कोशिश करते हैं इनकी कुंडली समझने की कि झारखंड के चुनाव दोस्तों किस तरफ निकलते चले जा रहे हैं, वो दोस्तों इनकी कुंडली अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये सब पॉइंट्स हमने पढ़ लिए हैं। जिंदगी में होना है सफल तो जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से, मुश्किलों को दूर करना अपनी लाइफ से तो भी जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आप चाहें तो मैं कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, पर्सनल वीडियो के लिए, ईयरली रिपोर्ट के लिए कि आने वाला आपका टाइम कैसा है। ये तो है जन, ये तो है इनकी कुंडली हेमंत सोरेन जी की। अगर आप भी अपनी कुंडली ऐसे ही चाहते हैं तो हम आपको व्हाट्सएप या मेल कर सकते हैं, आप अलाउ करोगे तो ही हम यूट्यूब पे डालेंगे, अदरवाइज आपको पर्सनली मेल कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आप मना करोगे हम वीडियो में नहीं लेंगे, और आपका नाम और जगह चेंज करके भी डाल सकते हैं, इसके हमारे चार्जेस हैं और प्रोसीजर अलग से है। तो आप चाहें तो मैं कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। और ये तो इनकी कुंडली है हेमंत सोरेन जी की। नेक्स्ट कुंडली किस पॉलिटिशियन या सेलिब्रिटी पे देखना चाहते हैं आप, हमें कमेंट या मैसेज करके बताइए, हम वेट कर रहे हैं, हम जल्दी कोशिश करेंगे उसे बनाने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम इनकी महादशा पे आते हैं, जुपिटर की महादशा। जुपिटर इनका है 5th हाउस में, नवंबर 2012 को ये दशा स्टार्ट हुई थी, नवंबर 2028 तक चलेगी, 16 साल की महादशा, वो भी 5th हाउस की दशा, 4th का लॉर्ड है जनता वाले हाउस का और 1st का, तो ये दशा कैसी रहेगी दोस्तों? इसी दशा में सीएम बने दोस्तों, इसी दशा में तरक्की हुई इनकी, यानी कि उस जुपिटर की दशा बहुत पावरफुल दशा रहती है दोस्तों, सेल्फ की दशा भी हो गई जो तो 5th हाउस में प्लेसमेंट भी हो गई, और तो इसका इम्पैक्ट अपने सेल्फ हाउस पे भी आ गया। तो दोस्तों ओवरऑल हम लोग देखते हैं महादशा दोस्तों बहुत ज्यादा पावरफुल दशा रहती है, बट अब असली जो रिजल्ट जो आता है दोस्तों वो आता है आपका अंतर दशा के साथ। तो दोस्तों ये थी महादशा, तो दोस्तों इसने काफी कुछ दिया इनको। अब दोस्तों जब अब स्थिति क्या रहने वाली, जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया कि जुपिटर मर्क्यूरी की जब अंतर दशा आई थी सीएम बन के 2019 में, 2019 के अंदर दोस्तों मोदी सेकंड टाइम जब दोस्तों पीएम बने थे, मोदी वेव के बावजूद भी दोस्तों ये दोबारा सीएम बने कांग्रेस के सपोर्ट के साथ, बीजेपी को खाड़ फेंक दिया। तो ये उस समय दोस्तों दशा थी, आज दशा क्या है दोस्तों, कुछ चेंज आया नहीं आया, अब अंतर दशा पे आते हैं दोस्तों, फिर प्रत्यंतर पे आएंगे जो रिजल्ट को बिल्कुल एक्यूरेसी पे लेके आते हैं। चलिए जुपिटर की महादशा की बात हो गई। चलिए फ्रेंड्स, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया और जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही वीडियोस अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर एंड कमेंट करके बताइए आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, हमारी वीडियोस अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। चलिए अब इनके अंतर दशा की हम बात करते हैं, इस दशा को छोटा कर देते हैं और करंट दशा ले लेते हैं। जुपिटर में मून, जुपिटर वही 5th हाउस में है और चंद्रमा है 10th हाउस में, मतलब 5th और 10th की दशा कैसी रहेगी। 4th मार्च 24 को स्टार्ट हुई थी और 4 जुलाई 25 तक खत्म होगी, मतलब 1 साल और 4 महीने की दशा, 16 महीने की दशा कैसी रहेगी इनके लिए। बस एक चीज बता दूं दोस्तों, इससे पहले से जुपिटर में सन की दशा 4 मार्च तक, दोस्तों मैंने आपको बताया कि सूर्य यहाँ पे इतनी बुरी तरीके से इल प्लेस रहे, भाग्य की हानि कर रहे हैं, राहु के इम्पैक्ट में, और दोस्तों कहीं ना कहीं इसमें शनि का साथ भी है। तो इसी दशा के दोस्तों टाइम पे, जुपिटर में सूर्य की दशा के टाइम पे दोस्तों इनकी गिरफ्तारी हुई थी मार्च के अंदर, ध्यान में रखिएगा दोस्तों
ये दशा इनके लिए नेगेटिव थी। और जुपिटर मून में दोस्तों ये बाहर निकल कर आए थे, यानी कि दोस्तों मून यहाँ पे 10th हाउस में है, राशि का भी लॉर्ड है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं दोस्तों मून यहाँ पे पावरफुली प्लेस है, 4th हाउस का भी इम्पैक्ट डाल के चल रहा है। तो हालांकि इसकी राशि में शनि है, बट ओवरऑल हम लोग देखें दोस्तों मून थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिवली प्लेस है दोस्तों, उस दशा में वापस आए मून दोस्तों सत्ता वाले घर में, इनको सत्ता भी मिली दोस्तों उस समय, तो कहीं ना कहीं दोस्तों इट्स अ काइंड ऑफ मिक्स काइंड ऑफ अ दशा। अब थर्ड लेवल की दशा जब जो आएगी दोस्तों, पतंतर दशा जो आएगी दोस्तों, अभी हो गई आपकी महादशा दोस्तों, ये हो गई आपकी अंतर दशा जो कि थोड़ी सी पॉजिटिव थी, इनको बाहर निकले दोस्तों ये उससे जेल से बाहर है, और दोस्तों कहीं ना कहीं 10th हाउस में आके राशि को डिनोट करके, लगन को डिनोट करके इनको सेल्फ को सपोर्ट मिली। अब दोस्तों क्रूशियल आ जाते हैं ये दो अंतर प्रत्यंतर दशाएं जो डिसाइड करके चलेंगी इनकम 2024 का बाकी टाइम अब कैसा बचा हुआ है। चलिए अब इस दशा को हम और छोटा कर देते हैं, प्रत्यंतर दशा पे आए थे, बिल्कुल करंट दशा पे, जुपिटर मून जुपिटर मतलब फिर से 5th और 10th की दशा। 24 जुलाई 2024 को स्टार्ट हुई थी, ठीक 2 महीने पहले, 1.5 महीना पहले, और 27 सितंबर 2024 तक चलेगी। ऑलमोस्ट 2 महीने की दशा इनके लिए कैसी रहेगी? तो अब देखिए ये हो गई आपकी महादशा दोस्तों, ये हो गई आपकी अंतर दशा, और दोस्तों जुपिटर की हो गई आपके प्रत्यंतर। तो ये दशा अगर आप देखेंगे इस दशा में ठीक ठाक है, ये दशा के लिए बिल्कुल ठीक ठाक निकल रहे। जुपिटर वापस आके दोस्तों डबल जुपिटर हो गया, तो ऐसे में अपने अपने इंडिया लाइन्स के साथ दोस्तों इनकी बातचीत भी चल रही है, लोगों से मिल भी रहे, तो ये दशा ठीक ठाक है। ये मैंने मेंशन करने का दोस्तों मतलब ये था कि डबल डबल जुपिटर बीच में मून, तो दोस्तों मून जुपिटर तो वैसे भी आपस में फ्रेंडली प्लैनेट होते हैं, तो डबल जुपिटर बीच में मून सैंडविच, तो अच्छी दशा थी दोस्तों। अब आगे दोस्तों मोस्ट क्रिटिकल दशा, थर्ड लेवल की दशा जो अब हम लोग बात करेंगे दशा की, और साथ में गोचर मिलेंगे, तो दोस्तों अब तो एक्यूरेसी बिल्कुल सामने आ जाएगी, बिल्कुल पिन पॉइंट करते हैं दोस्तों आने वाले टाइम को। चलिए आज की आखिरी दशा, दूसरी अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा, इस दशा के ठीक बाद वाली दशा। चलिए अब आपका क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि इनके लिए आने वाला टाइम कैसा है, इनकी जीत होगी या हार होगी, अब ये इनकी दशा बताएगी। दशाएं बहुत मैटर करती है, हम हमेशा बताते हैं दशाएं और गोचर बहुत मैटर करते हैं। तो जुपिटर मून शनि फिर से 5th, 10th एंड 8th की दशा कैसी रहेगी इनके लिए? 27 सितंबर 2024 को स्टार्ट होगी और 13 दिसंबर 2024 को खत्म होगी, ऑलमोस्ट 2.5 महीने की दशा इनके लिए कैसी रहेगी? दोस्तों आप देखिए जुपिटर यहाँ पे होगा दोस्तों महादशा, मून दोस्तों अगेन अंतर दशा, और दोस्तों यहाँ पे शनि आप बदल के प्रत्यंतर दशा थे दोस्तों। अब दोस्तों देखिए 27 सितंबर यानी कि 15 दिन बाद दशा शुरू हो जाएगी ये वाली, तो शनि का रेट्रोग्रेशन भी चल रहा है दोस्तों, दोस्तों साथ में अगर आप नोटिस करेंगे इसके बाद सूर्य का भी रेट्रोग्रेशन हो जाएगा, तो कुल मिलाकर दोस्तों वो शनि जो राहु के इम्पैक्ट में है, वो शनि जो सूर्य के साथ मिलकर नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, वो शनि जो चंद्रमा की राशि में, कौन सा चंद्रमा दोस्तों, जो सत्ता वाले घर में दोस्तों, और वो शनि जो 8th हाउस के अंदर है यानी कि हाईली नेगेटिव शनि, और दोस्तों वो शनि जो यहाँ पे 2nd मार्केश का भी लॉर्ड है, तो हाईली नेगेटिव शनि, तो ये दशा में दोस्तों अगर चुनाव होते हैं आप मान के चलिए दोस्तों, इस अगर 13 दिसंबर या 15 दिसंबर से पहले पहले चुनाव हो जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों मुझे हेमंत सोरेन जीतते हुए नजर नहीं आ रहे। हालांकि दोस्तों मैं फिर कह रहा हूँ मेरे पास बीजेपी की अभी नेम या चेहरा नहीं है दोस्तों, बट इनकी अपनी कुंडली से दोस्तों ये फाइट में भी नजर नहीं आ रहे अभी, मुझे नहीं लगता दोस्तों जो उन पर गिरफ्तारी हुई थी उसको उनको कोई सिंपति मिलने वाली है, कोई इनके दोस्तों पक्ष में कोई एक सहानुभूति की लहर बहने वाली है, तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी ये वाला स्टेट वापस से 5 साल बाद रिटेन कर सकती है, तो यहाँ पर दोस्तों मुझे हारते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों 13 दिसंबर या 15 दिसंबर के बाद अगर चुनाव होते हैं, जो कि दोस्तों हो भी सकते हैं बिकॉज जनवरी तक शायद दोस्तों ये जो विधानसभा का टाइमलाइन है, अब उसके बाद चुनाव होता है स्थिति बदल सकती है, बिकॉज इसके बाद दोस्तों बुध की दशा आ जाएगी, शनि के बाद बुध की दशा आ जाएगी, और वो तब तक शनि रेट्रोग्रेशन से भी बाहर आ चुका होगा, और दोस्तों जुपिटर भी रेट्रोग्रेशन में आगे बढ़ चुका होगा, तो दोस्तों वो टाइम ये फाइट में वापस आ जाएंगे, बट इससे पहले अगर दोस्तों चुनाव होते हैं तो ये फाइट में नहीं है, तो मुझे दोस्तों अभी के लिए लगता है कि बीजेपी दोस्तों झारखंड को रिटेन करेगी, और रिटेन करने के दोस्तों चांसेस बीजेपी के बहुत ज्यादा लग रहे हैं मुझे, ये बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों आपको तो मालूम है कि चंपई सोरेन वो भी दोस्तों पार्टी छोड़ के जा चुके हैं, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा और इनका दोस्तों इम्पैक्ट पड़ने वाला, बिकॉज शनि की दशा, शनि का रेट्रोग्रेशन और आने वाला दोस्तों सूर्य का नीच होना इनके लाइफ को बहुत मुश्किल करने वाला है, और दोस्तों अभी लीगल केस कोई वापस से कुछ हो जाए इनके ऊपर, इनकी पार्टी के ऊपर, तो हैरानी वाली बात नहीं होगी। मतलब आपके अकॉर्डिंग इनकी जीत अभी नहीं, अभी नजर नहीं आ रही, अभी बहुत टफ है दोस्तों, मुझे फाइट में भी नजर नहीं आ रही अभी, अगर दो एक सेकंड बस, ये 13 दिसंबर तक दोस्तों, इसके बाद चुनाव होंगे दोस्तों, तो फिर हम वीडियो दोबारा बनाएंगे। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, हमने अपनी प्रेडिक्शन दे दिया कि इनका आने वाला टाइम कैसा है, कि सुमित कह रहे हैं कि इनकी जीत नहीं होगी अगर 13 दिसंबर तक चुनाव होती है, बिल्कुल अगर उसके बाद हुई तो थोड़े चांसेस है, वो हम अलग से वीडियो बनाएंगे, हम तभी बनाएंगे और तभी प्रेडिक्ट डेट सामने आ जाए दोस्तों, बिल्कुल ग्रह और गोचर के अकॉर्डिंग ही हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं, अब वीकली राशि वीकली कुंडली का टाइम आ गया है, तो वीकली हॉरोस्कोप में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे दोस्तों। थर्सडे फ्राइडे हमारी वीकली कुंडली, और सैटरडे संडे दोस्तों काफी लोग जानना चाहते हैं राहुल गांधी का, कांग्रेस पार्टी का दोस्तों क्या रहने वाले हैं,
तो सैटरडे संडे उसको राहुल गांधी और संडे को सब डालते हैं कांग्रेस पार्टी की वीडियो। कल हम मिलते हैं आपसे वीकली के लिए। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय माता दी फ्रेंड, दोस्तों टेक केयर, स्टे वेल, जय हिंद, जय भारत।